अगर हम यहां बात कर रहे हैं इस पहले क्वेश्चन की, तो इसका फैन इज लिस्टेड एट 150 रुपीज लिस्ट प्राइस, ए डिस्काउंट इज 20% गिवन। जैसे ही 20% डिस्काउंट होगा तो 10% हो गया, तो 30 रुपीज का डिस्काउंट आपने दे दिया, तो 120 रुपीज का हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। इतना सा करना था। आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इट ऑन द सेलिंग प्राइस। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको कुछ दिया ही नहीं, तो आप ये मान सकते हो कि भाई हमारा कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपीज है, आपको प्रॉफिट हो रहा है 20%, तो 100 का 20% 20 रुपीज होगा, तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120। अब आपसे क्या कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट है 20 रुपीज, ये प्रॉफिट हम काउंट करते हैं कॉस्ट प्राइस पे, और क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस पे काउंट कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 100 है, इसलिए ये 20% है 100 का। लेकिन अगर इस 20 को सेलिंग प्राइस पे देखा जाए तो कितना परसेंट है ये बताना है। तो बस आपको सिर्फ इतना बताना था कि 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, तो 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120 का मतलब सिर्फ इतना सा है कि 20/120 × 100, तो आप चाहो तो इसको ऐसे कर सकते थे 6, तो 100/6 जो है वो होता है 50/3, और 50/3 को डिवाइड करोगे तो 16 × 2/3 48+2, तो ये हमारे पास आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा सा है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में भी आता है, इसके बारे में बताएं क्या है। The CP of 10 article is equal to selling price of 15 articles. What is the profit or loss percentage? The CP cost price of 10 articles is equal to the selling price of 15 articles. What is the profit or loss percentage? आपको profit हो रहा है या loss हो रहा है? फोर्थ ऑप्शन। पहले बताओ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? सर लॉस हुआ। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले यही समझना होगा कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि क्या बात है। सपोज करो आपने 10 चेयर्स खरीदी थी, तो कोई भी आइटम ले लीजिए, या बहुत सारी चेयर्स खरीदी थी और 10 चेयर्स मान लीजिए आपने खरीदी थी 200 रुपए में, ठीक है, आपने 15 चेयर बेची है, 15 चेयर्स, आपने सेल करी है, और 15 चेयर्स भी आपने 200 रुपए में सेल करी है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 चेयर्स। प्लीज माइक को बंद करिए बेटे। तो अब आप खुद देखो कि हमने 10-15 चेयर बेच के 200 रुपए कमाए, जबकि हमने 10 चेयर 200 रुपए में खरीदी थी, तो हमें ज्यादा चीजें बेचनी पड़ रही हैं तब हमारे पैसे पूरे हो रहे हैं। अगर हम 10 चेयर बेच के 10 चेयर की कीमत कमा लेते तो समझो बराबर पे आ गया था। अगर 8 चेयर बेच के 10 चेयर के पैसे कमाते तो प्रॉफिट आता, लेकिन हमें चीजें ज्यादा देनी पड़ रही हैं तब हमारी कीमत पूरी हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई यहाँ हमें लॉस हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है? 5 चेयर्स का। तो इसका कॉन्सेप्ट तो सिर्फ इतना सा है
कि भाई 5 chairs का लॉस हो रहा है, और 5 chairs का लॉस किस तरह से हुआ है? ऑन सेलिंग 10 chairs. तो ये हमारे पास है. तो अगर 10 पे 5 का लॉस है तो 1 पे कितने का है और 100 पे कितने का है? तो 5 ऑन 10 इनटू 100, सॉरी 10, नहीं 10 नहीं आएगा, 15 आएगा. हम सेल कितना कर रहे हैं? 15 सेल कर रहे हैं. ऑन सेलिंग 15, लॉस हो रहा है 5 का. 1 पे 5/15 एंड 100 पे 5/15/100. तो ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होता है सीधा सीधा. तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए है, अदरवाइज तो आपको सिर्फ ये सोचना है ये सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा का है तो 5 हमारे पास ज्यादा है अपॉन 15 इनटू 100. ये तो हम ऐसे समझते हैं. अब दूसरा तरीका समझिए कि ये हुआ कैसे सर, हम कैसे माने इस तरह से हो रहा है. तो वो भी दूसरी लाइन भी समझ लीजिए. अगर आपके पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 is equals to selling price of 15, तो आप यहाँ ये समझ सकते हो कि let cost price of 1 is 1 rupees. So cost price of 10 is 10 rupees. So selling price of 15 is also 10 rupees. So selling price of 1 is 10/15. तो अब हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये आएगा कि cost price तो हमारा था 1 rupees, 1 का, और selling price आया है 2/3. तो अब हमें loss हो रहा है. तो loss कितने का हो रहा है? 1 - 2/3. 3 - 1/3 का. तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/3/1 × 100. तो दैट इज 100/3%. तो इस तरह से आप कर सकते हैं. किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. जी खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआ में शामिल. अभी तो स्टार्ट हो रही है बैचेस, आज इंशाल्लाह होगा. संडे के में क्लासेस ली थी सर ने, लेकिन किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया. हाँ, वो इन आपको मैसेज नहीं पहुंचा था, आज ज्वाइन कराया इन आपको. जी जी इंशाल्लाह आज हो जाएगा. नहीं कोई जरूरत नहीं है. जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह, जरूर. अल्लाह का शुक्र दोस्तों, सब 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 अल्हम्दुलिल्लाह. जी इंशाल्लाह, अभी सलाम. जी सर, चलिए. अब यहाँ पे देखो, डिस्काउंट के अंदर एक चीज होती है सक्सेसिव डिस्काउंट. इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम्स में आते हैं. हम लोगों ने सक्सेसिव डिस्काउंट पे हमारे पास क्या है, हम लोगों ने जब सेल जो लगा होता है उसका जो हम पोस्टर देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से लिखा होता है, 60% + 40% सेल.
तो ये जो डिस्काउंट होते हैं ये एक साथ कंबाइंड होके डिस्काउंट नहीं मिलता है कि आपको एक ही चीज पे 60% प्लस 40% यानी कि 100% का डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा नहीं होता। ये अप्लाई होते हैं चेन में, पहले जो भी आपकी कॉस्ट होगी उसका 60% माइनस होगा, फिर जो कॉस्ट आएगी उसका 40% माइनस होगा, तो वो फिर आपको मिलेगा। तो आपसे क्या कहता है, आपसे अक्सर कहता है, एक तो यही होता है हो जाएगा कि भाई आपसे कह दे कि भाई हमारे पास 200 रुपीज की कॉस्ट है, उस पर ये अप्लाई करो, बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, एक तो ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होता है, सिंगल आपसे कहता है सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ठीक है सर, टू दीज सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट चाहिए टू दीज जो हमारे पास टू डिस्काउंट है इनके लिए, कि अगर हम 60 प्लस 40 ना देके डायरेक्ट ही कह दें कि भाई आप सीधा सीधा सा 65% आपको मिलेगा, तो आप हमें एक ही डिस्काउंट बता दो, ये दो क्यों बता रहे हो, लेकिन होना चाहिए इन दोनों के इक्वली। तो वो हम कैसे निकालते हैं, तो इसका सबसे स्मॉलेस्ट और इजीएस्ट एक तो तरीका यही है कि भाई हमारे पास क्या है, हमारे पास सपोज करो कोई चीज 100 रुपए की थी, अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो पहला डिस्काउंट उस पर 60% का मिलेगा, तो 60% डिस्काउंट 60 रुपीज उसके माइनस हो गए तो रह गए 40, दूसरा डिस्काउंट उसे 40% का मिलेगा, 40% 16 रुपीज होगा, ध्यान रखना 10% 4 रुपीज आएगा, तो 40 में से 16 माइनस कर दो तो हमारे पास बचेंगे 24, तो हमारे जो 100 रुपए की चीज थी वो फाइनली हमें 24 रुपए की मिल रही है, तो हमें डिस्काउंट कितना मिला टोटल, तो हमें टोटल डिस्काउंट मिला 76%। तो अगर हमें 60 प्लस 40% नहीं चाहिए तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं भाई हमें तो सीधा 76% डिस्काउंट। तो इस तरह से आप सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल सकते हैं, इसे नोट करना चाहें तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ें। सर एक क्वेश्चन है सर, पॉलिटिकल साइंस में है जी, सर पॉलिटिकल साइंस का 2018 का है, बोलिए प्रीवियस ईयर का, सर आपके पास होगा सर, क्वेश्चन बोल दो ना, 37 नंबर क्वेश्चन, गौरव स्पेन 30%, जी बोलिए, गौरव स्पेन 30%, 30 मंथली इनकम है, यस सर, यस, अब दिस मंथली इनकम ऑन फूड स्पेंड, मंथली इनकम 30% ऑफ मंथली ऑन फूड, और बोलिए, यस सर, आर्टिकल 40% ऑफ द रिमेनिंग, 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्वेंस, कन्वेंस, यस सर, चलो, एंड क्लॉथ, and save 15%, fifty, yes sir, 15 50%,
यस ऑफ द रिमेनिंग ऑफ द रिमेनिंग इफ हिज मंथली सैलरी इफ ही मंथली सैलरी इज $80,400 18,400 यस सर चलो हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ सेविंग पूछ रहा हूँ यस सर एवरी मंथ जो क्वेश्चन लिखा हुआ यही है कुछ और इसमें है गौरव स्पेंड 30% ऑफ मंथली इनकम ऑन फूड 40% ऑफ रिमेनिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट 50% सेव ऑफ द रिमेनिंग ठीक है मंथली सैलरी इज 18,400 यही क्वेश्चन है बस या कुछ मिसिंग है कौन सा है ये पोल साइंस सर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा सर है अरे कन्वेंस कह लो ट्रांसपोर्ट कह लो उससे क्या हो रहा है यस सर और कुछ तो नहीं है नो सर इसमें निकालना क्या सेविंग सेविंग एवरी मंथ सेविंग निकाल कर 18,411 ये क्वेश्चन है यस सर यस सर यहाँ भी बच्चों बताओ जरा क्या होगा इसका गौरव स्पेंड्स 30% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स 40% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द कन्वेंस एंड क्लोथ्स एंड सेव 50% ऑफ द रिमेनिंग इफ हिज मंथली सैलरी इज 18,400 हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ हाँ जी सर किसी का आंसर आया सर जी सर बोलो सर 386 ऑप्शन ए 3864 बहुत अच्छा एक बच्चे का आया बस अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जो खैरियत से है माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्लाह का एहसान बड़ा दुआ है माशाल्लाह करम आप जी अल्लाह माफ करें जी अल्लाह का शुक्र बड़ा करम बड़ा फजल माशाल्लाह आपसे भी खुसूसी बच्चे ठीक हैं सब मैं असल में लॉकडाउन से पहले एक दिन पहले गांव आ गया था मैं भी सर भी तब से गांव में ही है जी 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 वहां तो होते तो खैरियत ली जाती ये है मसला जी
जी जी माशाल्लाह मुबारक आपकी याद आई होगी शिक्षा को। हाँ रात तेज हवा थी बहुत तेज जी। हाँ चपरासी को छोड़ रखा मैंने कहा भाई घर का भी ध्यान बेचारे वही रख रहे हैं वहाँ बिल्डिंग का भी वही ध्यान रख रहे हैं मैंने कहा भाई रहते लोग जी मैं अभी क्या। हाँ जी सर आंसर कुछ आया क्या 3864 कैसे आया बताओ 3864 कैसे आया हमें तो पता नहीं। हाँ भाई बताओ कैसे आया हाँ भाई गौरव की सैलरी कितनी है 18,400 अब 30% जो है उसने yes, फूड उसने 30% जो है फूड पे खर्च कर दी तो बची कितनी 12,880 अरे हमें क्या जरूरत पड़ी है परसेंटेज में बताओ बची कितनी 70% ठीक है सर इस 70 का 40% उसने कन्वेंस और क्लोथ पे खर्च कर दिया तो बचा कितना बताओ ना कितना बचा 70% जो है उसने बचा था उसका 40% जो है कन्वेंस पे खर्च कर दिया था तो 40% अगर कन्वेंस पे खर्च किया तो बचा कितना हाँ जी सर जी सर कुछ समझ में आया क्या आपका जो टोटल पार्ट है वो है 100% कितना है 100% उसमें से 30% फूड का निकाल दो तो आपका बचा 70% कितना बचा 70% अब 70% में से 40% जो है कन्वेंस का और क्लोथ का निकाल दो तो अब कितना बचा जी 42% अगर आपने 40 निकाल दिया तो अब बचा 60% बात रिमेनिंग की हो रही है हर बार यस सर और रिमेनिंग का कितना परसेंट आपने सेव किया भाई 50% तो ये हमारा आंसर है ये 50% तो ये आंसर है जो हमने लिखा है हम क्यों 30% निकालें हम सीधा 70 ना कह देंगे 70 बचा 70 में से क्यों 40 निकालें सीधा ना कह दें 60 बचा और 60 का 50 क्यों निकालें सीधा कह दें 50 चाहिए अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए
20 से 20 कैंसिल, एक जीरो ये है इससे ये कैंसिल, 50 से 2 कर दीजिए, 2 से 3 कर दीजिए, जो आंसर आ जाए देख लीजिए, 37 जा 21 इंटू 184, देख लो आंसर। सर सही है क्या? जी सर। अरे भाई एक क्वेश्चन समझ के कर लिया करो, ज्यादा नहीं है तो इन्होंने 2018 का सीधा आपका बीबीए का ही पूछ लिया है, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन भी आपको आ रहा है सामने कि आपके एग्जाम में क्या आ रहा है, बट उसको करना कैसे है वो देख लो बस, कि कितने कम अल्फाजों में हम उसको कर सकते हैं, एकदम डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ में आया? दोबारा बताऊं? जिस बच्चे को नहीं आया वो पूछे, जिन्हें आ गया माशाल्लाह वो तो अच्छी बात है। कोई सा बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बताऊं? जी सबको आ गया? सब सो रहे हैं माशाल्लाह से। कोई और डाउट किसी के पास? अरे एक दो डाउट तो बचा के रखा करो ना सब बच्चे, पता नहीं सब खामोश रहते हैं। परसेंटेज में सर? अरे किसी में से भी हो, परसेंटेज ही चल रहा है ये, मैं इनको अलग अलग नहीं लेता हूँ, ये सब परसेंटेज का ही पार्ट। सर एक बार वापस से ऊपर। जी बेटे बोलिए। आंसर फिर से दिखा दो। जी आंसर फिर से ऊपर वाला। अच्छा बेटे ठीक है सर, हो गया। सर स्पीड का एक क्वेश्चन है सर। है जी स्पीड सर? नहीं अभी स्पीड नहीं कर रहा सर। देखो सर ये क्वेश्चन, ए डिसहोनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस टू सेल गुड्स एट हिज कॉस्ट प्राइस बट यूजेस a false weight of 950 grams for each kilogram, his gain percent is? Hamara jo shopkeeper hai dishonest hai, professes to sell goods at his cost price. शो कर रहा है कि मैंने जितने में खरीदा है उतने में ही मैं सेल कर रहा हूं, मैं कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, बट कर क्या रहा है, 1000 ग्राम वो सेल नहीं कर रहा है, वो 950 ग्राम सेल कर रहा है।
तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए क्या होगा सर? सेकंड होगा जी, सेकंड 5 × 5 19%। हाँ जी, बाकी बटालियन? यस सर, 1 × 6 1/4% जी। ऑप्शन वन होगा सर, ऑप्शन वन 6 × 1/4%। गुड, वेरी गुड। वन क्यों होगा सर जी, बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है ये बताओ। 915 ग्राम। 950 प्रॉफिट हो रहा है, 50 ग्राम का यह इतना वो सेल कर रहा है। हाँ जी, अरे सर सीधा सीधा सा देखना होता है कि उसे बच कितना रहा है। 50 ग्राम कितना बेचने पे बच रहा है, 950 ग्राम पे। सर यहाँ पे गेन निकाले, कॉस्ट प्राइस पे निकाले, सेलिंग प्राइस पे निकाले? सर जी गेन तो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। हाँ जी, इसमें कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। 50 upon 915 to 100, ये वही वाला क्वेश्चन। वीडियो भेज देना ना सर, ये लिखे हुए फॉर्मूले सारे। अजी सर ये पीडीएफ भेज देना, कोई जो भी फॉर्मूले सारे यूज होते हैं। गूगल क्लासरूम ज्वाइन करी हुई है? गूगल क्लासरूम ज्वाइन करी हुई है? नहीं। कौन सी सर? हाँ सर, नहीं 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 करी है। क्यों क्यों नहीं करी है सर? आज पहली क्लास है ना। क्या नाम है? ताबिश। ताबिश, आपकी पहली क्लास है आज? हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक, गूगल क्लासरूम ज्वाइन करिएगा बेटे, उस पर 150 पेज की मैंने वर्कशीट डाली है, उसे करिएगा, उसमें सभी कुछ है। हाँ सर, इसमें हमारे पास क्या है, और इसमें कोई फार्मूला नहीं यूज कर रहे बेटे, हम तो फार्मूले यूज ही नहीं करते, हम तो बेसिक फार्मूला यूज करते हैं। बेसिक फार्मूला क्या है बेटे, कि आपके पास जब वो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, तो फिर वहां पैसे की बात तो बराबर कर दी उसने, कह के हुआ नहीं है, कह के बराबर कर दी। तो अब उसे प्रॉफिट किस तरह से हो रहा है? उसे प्रॉफिट यही हो रहा है कि जब वो ये कहेगा कि मैं 1 किलो सेल कर रहा हूँ, तो वो 1 किलो नहीं सेल कर रहा है, ठीक है, वो तो 950 ग्राम सेल कर रहा है। तो उसने सेल तो कर दिया 950 ग्राम, तो 50 ग्राम उसने अपने पास बचा लिया, ये जो बचाया है ये उसका प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम तो सीधा सा कहते हैं कि यूनिटरी मेथड लगा लो, ये भाई उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, इनटू 100, इतनी सी बात करनी है। अगर वो 950 ग्राम बेच रहा है तो 50 ग्राम बच रहा है। अगर सपोज करो वो 1 kg की जगह 800 ग्राम सेल करता, कि नहीं उसके वजन में तो प्रॉब्लम 200 ग्राम के, तब उसको प्रॉफिट होता 200 ग्राम ऑन सेलिंग 800 ग्राम इनटू 100। तो हमेशा जो निकालना है आपको, निकालना है कि कितना बेचने पे, 50 ग्राम बच रहा है, जब वो 950 ग्राम बेचता है तो हाउ मच ऑन 100, तो ये आंसर है। तो इसको इससे कैंसिल करो, इसको इससे कैंसिल करो, तो 100 upon 19 आएगा। तो 19 जिसमें भी आ रहा है वही मेरा आंसर है, अगर एक ही ऑप्शन में आ रहा है तो सेकेंड इज माई आंसर। सर ठीक है क्या? यस सर ठीक है। इस तरह से करना। अब अगर आप इसको फिर वही चीज, अगर ज्यादा समझना है कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया आपने ऐसा क्यों कर दिया, अब इसको ऐसे समझो भाई, अब इसको ऐसे समझो भाई, क्योंकि एक ही चीज को बहुत डिटेल में समझा करो तो उस पे चाहे 50 क्वेश्चन आ जाएं वो फिर आप कर पाओगे। हम क्या कह रहे हैं भाई, हमने 1000 ग्राम कोई चीज खरीदी थी, और सपोज करो 1000 रुपीज की ही हमने वो चीज खरीदी थी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, हम कह तो रहे हैं कि हम 1000 ग्राम सेल कर रहे हैं, लेकिन हम 1000 ग्राम सेल नहीं कर रहे हैं, हम 950 ग्राम सेल कर रहे हैं, लेकिन 950 ग्राम हम उसी कॉस्ट प्राइस पे कर रहे हैं, तो हम कितने पे सेल कर रहे हैं, 1000 रुपीज पे। ये वाली बात क्लियर है या नहीं? जब उसने ये कहा था कि भाई जितने का खरीदा है उतने में दे दूंगा तुम्हें, मैं तो कुछ भी नहीं कमा रहा, तो आपने वो 1 किलो 1000 रुपए का खरीदा था,
और वो झूठा एक किलो आप 1,000 रुपए का बेच रहे हो, तो इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस हो गया 1,000 रुपए, ठीक है। लेकिन लेकिन अब आप खुद बताओ 950 ग्राम उसको कितने का मिला था? 1,000 रुपए का। अरे नहीं, 1,000 रुपए का तो 1,000 ग्राम मिला था ना बेटे। हाँ। तो 950 ग्राम कितने का मिला होगा? 950। तो आपका ये हो गया बेटे कॉस्ट प्राइस, और ये बेटा आपका हो गया सेलिंग प्राइस। सबको समझ में आया नहीं आया? अब वजन तो भूल जाओ आपके, वो कितना बेच रहा है। अब तो आप ये सोचो कि जो चीज उसने 950 रुपए की खरीदी थी वो उसने 1,000 रुपए की बेच दी। अब अगर 1,000 रुपए की बेची तो प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 50 का। तो अब उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 950। तो इनटू बात समझ में आई नहीं आई? जी सर। तो बेटे इस तरह से सोचना है, ये अभी भी वही क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 चेयर्स। तो आपको ये देखना है कि कितना बच रहा है, कितने बेचने पे बच रहा है। तो 950 ग्राम बेचने पे बच रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो एक क्वेश्चन और देखो। बताओ सर इस क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन नजर आ रहा है? बताइए। A manufacturer sale an item to a wholesaler dealer at a profit of 118%. The wholesaler sell the same to a retailer at a profit of 20%. The retailer in turn sell it to a customer for ₹15045 by earning a profit of 25%. The cost price of the manufacturer is second over. Hey ji. First, second. First 8,000.
8,000 की चीज मार्केट में आते आते 15,000 की हो जाती है, भाई वाह। हाँ सर देखो, हमें नहीं पता मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है? तो वन लाइन में करने की कोशिश करो, देख लेते हैं। अब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस, मान लेते हैं सीपी, ये है भाई। मैं आपसे कहता हूं ये अपने आप में 100% होगी, ठीक है? अब वन बाय वन करते चले जाओ। आपसे कह रहा है मैन्युफैक्चर सेल्स एन आइटम टू ए होलसेलर डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 18%। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरर ने इसे 118% पे सेल किया था, ये बात सही है क्या? हाँ भाई, होलसेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने कितना प्रॉफिट लिया? 18%। तो 118% हो गया ना सेलिंग प्राइस, मैंने बताया था पहले ही दिन। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस कर दो 100 में, और अगर माइनस होता 18% तो वो 82% रह जाती उसकी कीमत। यहाँ तक बात सही है? यस सर। अब ये अगर यहाँ तक बात सही है तो अब ये अपने आप में 100% हो गया, जो मैंने अभी पिछला वाला क्वेश्चन भी किया था। अब ये पहुंच गया होलसेलर के पास, अब होलसेलर का ये अपना 100% है। होलसेलर ने सेल कर दिया इसको रिटेलर को एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो इतने में 118% में होलसेलर को मिला था, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, और आगे उसने 20% प्रॉफिट के साथ रिटेलर को बेच दिया, यानी कि 120% में बेच दिया। कितने में बेच दिया सर? 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब ये हो गया सर रिटेलर का, रिटेलर ने इस पे लिया 25% प्रॉफिट। तो अगर एक 25% लिया तो उसने इसको 125% में कस्टमर को बेचा, और वो कीमत है 15045। बस ये लाइन बताओ सबको क्लियर है या नहीं? यस सर। 18% लिया है मैन्युफैक्चरर ने, 20% लिया है होलसेलर ने, और 25% लिया है रिटेलर ने। इसको सॉल्व करना है जी, और तो कुछ करना नहीं हमें। तो जिस तरह से भी आप सॉल्व कर पाओ उसे कर दो, जितना कैंसिल कर सकते हो। पहले तो इजी कर लो, 25 से 5 टाइम, 25 से 4 टाइम्स, ठीक है सर? 120 की 0 से 0 टाइम, और जी 5 से 2 टाइम, और 2 से 6 टाइम, ये हमारे पास हो गया। और हमारे पास क्या रह गया जी? ठीक है चलो इसे भी कैंसिल करो, 2 से 3, और 2 से ये हो गया 50। तो हमारे पास रह गया 3 से कैंसिल करो, 3 से ये आएगा 5015। तो 5015, अब हमारे पास क्या आएगा? 5015 इंटू 50। और भी कुछ बचा हुआ है क्या? 4 भी बचा है, तो 4 भी मल्टीप्लाई में ही होगा। और इधर क्या बचा हुआ है? 118, ठीक है जी। अब इसे सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है? 2 से कर लो भाई, 2 से ये कितना आ गया? 2 5 जा 2 9 जा, तो 59 से देखो कुछ हो रहा है क्या? 59 से 5015 कितने टाइम जा रहा है? ये तो, ये जो हमारे पास 2 है और ये जो 50 है, ये तो 100 हो जाएगा। तो 59 से सिर्फ इसे कैंसिल कर लो, कितने टाइम जा रहा है?
सर 85 में जा रहे हैं जी 85 टाइम 85 इनटू 100 85 खैर कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे आप तो ये एक लाइन लिखना सीखिए कि भाई जो भी कुछ है हमारे पास वो 100% है तो जितना भी उसमें प्लस माइनस हो रहा है वो 100 में प्लस करते चले जाएंगे तो आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी फिर उसे सिंपलीफाई कर लीजिए सर इसमें सर एक चीज और भी तो कर सकते थे क्या मतलब सर जो भी है प्रॉफिट ऐड करते जा रहे हैं इसको हम डायरेक्ट परसेंटेज में लिखते जाए डायरेक्ट परसेंटेज में मतलब लिखते जाए और एंड में इसका जो परसेंटेज आ रहा है 177% आ रहा है और अगर हम उससे सॉल्व करें तो मतलब और भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा नहीं तो यही तो आएगा 177% भी जो आपने करा है जी सर, जो हमारा 118 आ रहा है यही तो आया वो जी सर तो वहाँ आप उसे 177 सॉल्व कर लो या यहाँ सॉल्व कर लो एक ही चीज हुई जी सर। तो फिर जी। बात तो वही है भाई क्या करें जी सर चलो अभी एक क्वेश्चन और बताओ जल्दी से फटाफट फिर नेक्स्ट क्लास के लिए मैम भी बुला रही होंगी या मंजर सर बुला रहे होंगे आपको जल्दी से ये क्वेश्चन एक इसे और बता दो फटाफट जी सर आपसे कह रहा है ए बी सी स्टार्टेड ए बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:4 आफ्टर 6 मंथ हमारे पास क्या है बस जल्दी से देख लो ए बी सी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 1:4 की फॉर्म में 6 महीने तक उन्होंने किया है तो भाई हमारे पास ध्यान रखिए 6 महीने का मतलब इन सबको 6 से मल्टीप्लाई करिए अगर उन्होंने एक रुपया ए का 1 रुपीज बी का 2 रुपीज और सी का 4 रुपीज इन्वेस्ट है तो 6 महीने में 6 रुपीज हो गए इसके 12 रुपीज हो गए और इसके 24 रुपीज हो गए आपसे कह रहा है ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50% एंड बी इन्वेस्टेड ट्वाइस ए ने 50% बढ़ा दिया तो 3 रुपए और बढ़ा दिए उसने तो 6 का 50% 3 हो जाएगा तो उसने कर दिया 9 ठीक है सर और बी इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट एज बिफोर पहले जितना किया हुआ था उससे डबल उसने इन्वेस्ट कर दिया तो भाई हमारे पास इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट एज बिफोर 24 उसने इन्वेस्ट कर दिया ठीक है सर एंड सी विद्रॉ 1/4 ऑफ 24 6 तो रह गया 18 ठीक है अब इज इन्वेस्टमेंट अब ये हो गया 6 मंथ का तो 6 मंथ का अगर ये हमारे पास हो गया तो हमारे पास कितना आएगा जी 386 जी हमारे पास ये हो जाएगा नहीं इसका तो हमने 9 किया था ना ये 9 हो गया तो ये तो 36 होना चाहिए ना बी इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट एज बिफोर द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर
जिस रेशो में उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशो में उनका प्रॉफिट होगा. तो उनके पूरे साल में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ ये आप चेक कर लो. तो हमारे पास ए का इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, हमारे पास ए का इन्वेस्टमेंट आएगा जी. सलाम अलैकुम. अच्छा आ रहा हूँ जी, बस इंशाल्लाह. हाँ सर, क्या आया ये हमारे पास, हमारे पास सेकंड ऑप्शन, हमारे पास ये हो गया सर 60 है ना भाई. और ये कितना हो गया भाई, ये एक सेकंड, ये कितना हो गया जी, यही वो है इसके साथ डाउट कि 144 प्लस 12 नहीं, ओके तो गलत किया हुआ है, तो गलत किया हुआ है, सब गलत करते हैं. अब करना पड़ेगा. ये हो गया 1.56 और ये हो गया 2 का डबल 4 और ये हो गया 3 तो ये हो गया 9 और ये हो गया 24 और ये हो गया 18 तो ये हो गया 6, 12, 24, 15, 36, and 22. तो हमारे पास क्या आ रहा है, 5, 12, 14 यार. ठीक है जी, तो हमारे पास क्या है, इसको ऐसे लीजिए, गड़बड़ गड़बड़ कर दी हमने सारी. इसको ऐसे करेंगे, पहले 6 महीने के लिए जो इन्वेस्टमेंट है वो है 1, 2 और 4. तो 6 महीने का इन्वेस्टमेंट हो गया 6 रुपीज, 12 रुपीज, 24 रुपीज. नेक्स्ट 6 मंथ के लिए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 1.5, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया डबल, इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 3. तो इनका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 9 रुपीज, 24 रुपीज और 18 रुपीज. तो ए का जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 15 रुपीज और बी का जो होगा वो होगा 36 और सी का जो होगा वो होगा 42. पूरे साल में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ. अब इसे कैंसिल कर दीजिए, तो 3 से 5, 3 से 12, 3 से 40. तो आंसर आ गया 5:12:40. हाँ भाई, जिस रेशो में आपका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशो में आपका क्वेश्चन होगा. तो पूरे साल जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है पर्सन टू पर्सन वो 15 रुपीज, 36 रुपीज, 42 रुपीज हुआ है. तो उसी रेशो में आपका आंसर आएगा. सर क्लियर है जी सर. चलिए इंशाल्लाह कल फिर क्लास लेंगे, फिर देखेंगे. कल नया टॉपिक स्टार्ट होगा, या तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, या फिर इंशाल्लाह कोई और टॉपिक लेंगे. सर एज एज बेस्ड क्वेश्चंस करा लीजिए एक बार. डॉक्टर दानिया हैं या? यस सर. डॉक्टर दानिया बताइए, एज में कहां प्रॉब्लम आ रही है बेटे आपको, बताओ. तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं.
कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा किस तरह अटेम्प्ट करना है, एक बार आप समझा देंगे तो फिर मैं बाकी खुद ही आ जाएगा पढ़ते हुए। एक मिनट रुकिए बेटे, एज वाले क्वेश्चन तो बेटे इजी होते हैं, एक मिनट रुकिए। और एक सर मेंस्ट्रुएशन वाले क्वेश्चंस भी डाल दीजिए क्लासरूम पे। मेंस्ट्रुएशन मैंने डाल दिया बेटे उसमें, उसका वो तो वर्कशीट तो। अच्छा जी, मैंने रात जो है मेंस्ट्रुएशन कर दिया था और आपका ये तो डाल ही दिया था परसेंटेज वगैरह तो। सर इस पे तो नहीं है क्लास पे, गूगल क्लासरूम पे तो नहीं है मेंस्ट्रुएशन का पीडीएफ। मेंस्ट्रुएशन का पीडीएफ तो नहीं दिख रहा है मुझे इस पे। ऐसा कैसे कर रही है बेटा? क्लासरूम पे है। है अच्छा, मोर देन 150 पेज का है बेटे वो। ओके सर एक बार देख लूंगी उस पे, आप देख लो चैप्टर 20 करके है। ओके ठीक है, और जो मैंने रात पोस्ट किया तो उसकी आपको वो जरूर आती होगी नोटिफिकेशन। यस यस सर, जीमेल पे उस पे देख लीजिए, जीमेल पे आया होगा नोटिफिकेशन जब मैं इंसर्ट करता हूं। ठीक है सर, मैं देख लिया। और ये जॉइन कैसे जी बेटे? सर ये जॉइन कैसे करना है गूगल क्लासरूम? आपके पास लैपटॉप है मोबाइल है? मोबाइल है सर। तो मोबाइल पे पहले बेटे आप गूगल क्लासरूम डाउनलोड कर लो उससे, प्ले स्टोर से। हां कर लिया सर। ठीक है, तो उसमें फिर राइट साइड में कोड मांगेगा, मैं कोड डाल दूंगा अभी आपको दे दूंगा, तो उसमें से कोड डाल के ज्वाइन कर लेना। ठीक है चलिए। और दानिया बेटे आप अलग से भी पूछ लिया करो, अगर सभी बच्चों को कह रहा हूँ, दानिया को नहीं, मुझे व्हाट्सएप का उसका प्रिंट भेज दो, पूछ लो एज वाले क्वेश्चंस किस तरह से, तो डिस्कस कर सकते हैं अलग से भी। कल स्टार्ट कर लें, कल हुआ भी नहीं है अभी तक, जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इक्वेशन ना कहके स्टेटमेंट बेस्ड, अब वो चाहे स्टेटमेंट लीनियर इक्वेशन के हों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हों, एज वाले हों, तो ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं कल वो इंशाल्लाह डिस्कस करें। ठीक है, फिर उसके बाद करेंगे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए भाई, ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।